खरगोन में नगर पालिका में पिछले 5 माह के दौरान 2 बार साधारण सम्मेलन आयोजन को लेकर सूचना पत्र जारी करने के बाद बैठक निरस्त किए जाने से पार्षदों में नाराजगी देखी जा रही। अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों सहित अन्य एजेंडों को लेकर बात रखने का मौका नहीं मिलने से नाराज गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपते हुए पार्षद रियाज शेख, वारिस चौबे, असलम शेख, शकील खान, शबनम पठान, अरुणा उपाध्याय आदि ने कहा कि वार्डों में विकास कार्य नहीं होने से आमजन ही नहीं पार्षद भी परेशान है। कई बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर ने पार्षदों को नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। नगर पालिका परिषद में करीब 1 साल के भीतर ही सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के पार्षदों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। गुरुवार को जहां विपक्ष के पार्षदों ने नियमानुसार साधारण सभा नहीं कराए जाने से नाराज होकर कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा है, वहीं सभापति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। जिस प्रकार से ट्रैफिक अभी बढ़ा है खंडवा रोड से, जिसके कारण यहाँ 10 से 15 लोगों की जान चली गई है, और रिंग रोड का एक विषय लेके मैं काफी दिन से सक्रिय था। बाकी मुझे ऐसा लगा कि शायद ना परिषद ना बाकी लोग उसमें कोई इंटरेस्टेड है, और इस चीज को लेके मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया कि जब काम ही नहीं करा सकते तो फिर अपना दायित्व संभालने का कोई औचित्य नहीं। परिषद की बैठक तो 3 मई मतलब पिछले तो उसमें थी आचार संहिता में, उसके बाद से 2 बार निरस्त हो गई। अब वो अध्यक्ष जी जाने क्यों निरस्त हुई है उसके ऊपर मैं चंद्रपाल सिंह तोमर। कलेक्टर साहब को जो शिकायत की है, नगर पालिका में लगातार जो है साधारण सम्मेलन नियम के विरुद्ध निरस्त किया जाता है। नियम यह है कि 3 माह के अंदर सभी पार्षदों को 7 दिवस पहले आमंत्रण देकर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो सीएमओ सेक्रेटरी हैं वो करते हैं, और लगातार 2 बार से अभी ऐसा हो रहा है कि सम्मेलन का जो है आपको दावतनामा आमंत्रण जाता है और 1 दिन पहले जो है निरस्त हो जाता है। तो ये कारण क्या है कि जिस वजह से जो सम्मेलन कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐसे में लगातार 5 माह से ऊपर हो गए हैं। आज जनता हित की बातें नहीं होगी, साधारण सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास नहीं होंगे तो आज जनता का हित का जो है बात कैसे कर पाएंगे, विकास कैसे होंगे। तो ये सब मामलों को लेकर हम लगातार जो हमारे साथ अवहेलना हो रही है, विपक्ष के साथ जो अनदेखी हो रही है, उसकी शिकायत को लेकर कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित ही हम सीएमओ साहब से बात करेंगे और नियम के और जो एक्ट है उसके अनुसार ही आइंदा में जो मीटिंग होगी और वो लगातार चलेगी। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन शेख, पार्षद नगर पालिका परिषद खरगोन। सबको नमस्कार, मैं पार्षद अरुणा उपाध्याय वार्ड क्रमांक 2 खरगोन से। मेरी शिकायत यह है कि परिषद की मीटिंग 6-6 महीने तक नहीं ली जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर हम लोग शहर का विकास कैसे करेंगे, शहर तो छोड़ो हमारे वार्ड का विकास कैसे करेंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि मीटिंग की जो अवधि है उसी में आप उसी टाइम पर मीटिंग ले, बस मैं यही चाहती हूँ। अब ऐसे तो बहुत सारी मीटिंग है, 5 से 6 मीटिंग हो भी गई होगी, लेकिन अभी जो मीटिंग होनी चाहिए नियम अनुसार उसे 5 माह से ऊपर हो चुका है, तो उसका और जो एजेंडा भी निकलता है वो भी कैंसिल हो रहा है बार बार, और हमें मतलब इस तरह से एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हमें नीचा दिखाया जा रहा है विपक्ष के लोगों को, क्योंकि हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है कि हमें भी तो जवाब देना पड़ता है जनता को कि हमें क्या करना है क्या नहीं। वो तो ऐसा है ना कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर ही करना पड़ेगा। आज हम हताश हो चुके हैं और आवेदन लेकर आए हैं, तो हम प्लीज सीएमओ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी मीटिंग नियम अनुसार ही ले। अरुणा उपाध्याय।